फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फेमा बोलेंगे इसको प्यार से। इंट्रोडक्शन, फेमा क्यों आया? तो इंट्रोडक्शन सिंपल है, ग्लोबलाइजेशन करके कुछ शुरू हुआ था 1991 ऑनवर्ड्स, पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ट्रेड है वो ओपन हो चुका था, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड स्टार्टेड हैपनिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह, कैपिटल फ्लोज होने लगे, कैपिटल फ्लोज इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो, एंड मेनली फॉरेन इनफ्लोज आने लगे इंडिया में। फॉरेन इनफ्लोज इंडिया में आने लगे तो देयर वाज अ नीड टू मैनेज दोज इनफ्लोज, एंड दैट इज व्हाई फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाज फॉर्म। अब ये जो इनफ्लोज आ रहे हैं इंडिया में, उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग रेगुलेशन वगैरह डाल देंगे कि आप इसमें से थोड़ा ही बाहर लेके जा सकते हो, या आप कौन से एरिया में इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो वगैरह वगैरह। प्रियम्बल क्या है फेमा का? प्रियम्बल ये है दैट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड लॉज रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग, मतलब दो ऑब्जेक्टिव है, पहला फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया। मतलब एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स वो अपना ऑब्जेक्टिव है, एंड डेवलपिंग द होल फॉरेक्स मार्केट इन इंडिया, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, दैट इज द होल पर्पज ऑफ फेमा। सेक्शन वन ऑफ फेमा बोलता है कि कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल होने वाला है। सो फेमा 1999 एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर वगैरह, सब फुल इंडिया आ गया। ऑल्सो ऑल ब्रांचेस ऑफिसेस एजेंसीज आउटसाइड इंडिया कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया को अप्लाई कर रहा है, अगर इंडिया के बाहर कोई ब्रांचेस ऑफिसेस वगैरह है विच आर कंट्रोल बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो वो ब्रांचेस को भी फेमा अप्लाई कर जाएगा। सिमिलरली एनी कॉन्ट्रावेंशंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बाय एनीवन टू हुम फेमा अप्लाइज, फेमा यहाँ पर अप्लाई करता है टू एवरी पर्सन, चाहे वो पर्सन रेसिडेंट हो या वो रेसिडेंट इन इंडिया हो या आउटसाइड इंडिया हो, एंड ये सारी ब्रांचेस वगैरह सबको अप्लाई करता है, जिसको जिसको अप्लाई करता है, अगर उन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया चाहे वो आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना हो, फेमा तुमको अप्लाई करेगा। मीनिंग इफ यू हैव डन समथिंग आउटसाइड इंडिया, उसका भी पेनल्टी हम इंडिया में लगा सकते हैं। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात, पर्सन कौन है? तो इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन और एनी ब्रांच ऑफिस और एजेंसी कंट्रोल्ड बाय देम, मतलब ये इतने सारे लोग हैं, ये लोग या फिर ये लोग अगर किसी ब्रांच वगैरह को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो भी एक पर्सन माना जाएगा। रेसिडेंशियल स्टेटस कैन बी आइदर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सिटीजनशिप नहीं देखेंगे, इनकॉर्पोरेशन देखने हैं, एंड डेज ऑफ रेसिडेंस इन इंडिया भी देखना है। तो बेसिकली सिटीजनशिप को गोली मारो, इनकॉर्पोरेशन विल मैटर एंड डेज ऑफ रेसिडेंस विल मैटर। रेसिडेंस एंड स्टे में फर्क होता है, अपन आगे एक केस लॉ पढ़ेंगे, तो स्टे नहीं बोला, रेसिडेंस बोला। इंटरप्रिटेशंस हैव चेंज्ड मे 20 ऑनवर्ड्स, तो स्टडी मटेरियल में सारे इंटरप्रिटेशन चेंज हो गए, सो बी वेरी वेरी केयरफुल। डिटरमाइनिंग द रेसिडेंशियल स्टेटस, दिस इज PRI डेफिनेशन, पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 182 डेज से ज्यादा, मतलब मोर देन 182 डेज, 182 रहेगा तो नहीं है, मोर देन 182 ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट ईयर, नॉर्मली दैट पर्सन विल बी काउंटेड एज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बट देर आर टू एक्सेप्शंस जिसमें वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड माना जाएगा, आउटसाइड इंडिया। देखो PROI कभी वो माना जाएगा, इफ पर्सन इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया और स्टेज आउटसाइड इंडिया, अब स्टे बोला, तो इफ इज गोइंग आउटसाइड इंडिया और ही इज स्टेइंग आउटसाइड इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और वोकेशन, और फॉर एनी पर्पस इंडिकेटिंग हिज इंटेंशन टू स्टे फॉर अनसर्टन पीरियड, मतलब तय करके नहीं गया कि इतने ही दिन जाऊंगा, इट इज अनसर्टन। अगर ये तीन केस है एंड ये करंट ईयर में तुमको चेक करना है, मतलब टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट इन करंट ईयर, बिजनेस इन करंट ईयर, एंड अनसर्टन पीरियड के लिए इंडिया आया है इन करंट ईयर, सॉरी आउटसाइड इंडिया गया है इन करंट ईयर, देन वो बाहर गया है तो उसको हम PROI मान लेंगे। मतलब अपना जो मंत्रा है एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन या अनसर्टन पीरियड का स्टेज जहां का, रेसिडेंट वहां का, ये मंत्रा अपने को फॉलो करना है। तो लास्ट ईयर इवन दो यू आर इन इंडिया मोर देन 182, बट अगर तुम ये साल यू आर गोइंग आउटसाइड इंडिया फॉर दीज थ्री पर्पजेस, तो तुम PROI बन गए। कब से बन गए?
तो जो दिन तुमने इंडिया छोड़ा ना उसके नेक्स्ट डे से, जो दिन तुमने इंडिया छोड़ा वो दिन तुम इंडिया में काउंट हो जाओगे, उसके नेक्स्ट डे से यू आर अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सिमिलरली अगर एक ऐसा बंदा है समझो लास्ट ईयर वो मोर देन 182 डेज तो था इंडिया में, उसके बाद इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ ही वेंट आउटसाइड इंडिया, वो आउटसाइड इंडिया चला गया था, लेट्स से आउटसाइड इंडिया फॉर अ जॉब, तो वो लास्ट ईयर में ही PROI बन गया रहेगा, बिकॉज जॉब जहां का रेसिडेंट वहां का। अब ये बंदा इंडिया आ रहा है, तो पर्सन हु हैज कम टू और स्टेज इन इंडिया, मतलब जो बंदा इंडिया आ रहा है या इंडिया में लेट्स से स्टे कर रहा है अदरवाइज देन फॉर एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और एनी अनसर्टेन पीरियड इन करंट ईयर, देन ही विल बी PROI। इसका मतलब क्या है, मोर देन 182 इन लास्ट ईयर, आउटसाइड इंडिया वो गया इन द लास्ट ईयर इटसेल्फ एंड वो तभी PROI बन गया, अब वो इंडिया आ रहा है, इंडिया आ रहा है इन करंट ईयर, बट इंडिया किसके लिए आ रहा है, वो नॉट फॉर जॉब, नॉट फॉर बिजनेस, नॉट फॉर अनसर्टेन पीरियड। अगर ये केस है तो वो PROI ही रहेगा ना, अगर वो इंडिया जॉब के लिए आता तो PROI बनता, अगर बिजनेस के लिए आता तो PROI बनता, एंड अनसर्टेन के लिए आता तो PROI बनता। तो अदरवाइज देन का मतलब क्या है कि अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आ रहा है, बिजनेस के लिए नहीं आ रहा है, अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं आ रहा है, तो वो PROI ही रहेगा। तो रिमेंबर दिस मंत्रा, मंत्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह जहां का रेसिडेंट वहां का। फिर अगर समझो इंडिविजुअल नहीं है, समझो फर्म HUF या कोई भी XYZ पर्सन है, तो उसका इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन देखो, पर्सन इज रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया तो वो PROI हो गया बाय डिफॉल्ट। फिर चाहे वो उसका 99% इनकम बाहर से क्यों ना कमाता हो, उसको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही मानना बेस्ड ऑन रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन। अगर एक ऑफिस ब्रांच या एजेंसी है इन इंडिया, अब देखो ऑफिस ब्रांच और एजेंसी है इन इंडिया है ना, तो आगे देखना ही नहीं है, PROI हो गया डायरेक्टली। अभी वो इन इंडिया है, इवन दो इट इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय PROI, स्टिल इट विल बी PROI। मतलब ये जो ब्रांच ऑफिस या एजेंसी है इसका स्टेटस क्या रहेगा, PROI रहेगा, बिकॉज इट इज इन इंडिया। फिर चाहे कोई भी इसको कंट्रोल करे, इवन इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय PROI और इट इज कंट्रोल्ड बाय PROI, जो भी करो, अगर ये ब्रांच इंडिया में है तो दैट इज PROI, सिंपल। सिमिलरली एक ब्रांच आउटसाइड इंडिया है, अब देखो ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो आंख बंद करके PROI नहीं बोलने का, चेक करो कंट्रोल कौन करता है, इट इज ओन्ड और कंट्रोल बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो अब ये भी PROI बन गया। मतलब दिस ऑफिस ब्रांच और एजेंसी विल बी PROI इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, फिर चाहे वो इंडिया में सिचुएटेड हो या बाहर हो। तो क्या देखने का, अगर सिंपल लॉजिक सिंपल आंसर बनाना है तो ऐसे देखने का, अगर ऑफिस ब्रांच और एजेंसी है, अगर इफ इट इज इन इंडिया तो वो PROI हो गया, या इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय PROI तो भी वो PROI हो गया। मतलब या तो ये फर्स्ट वाला या तो ये सेकंड वाला, अगर इंडिया में है डायरेक्टली PROI टिक कर दो, अगर कंट्रोल्ड बाय PROI है डायरेक्टली PROI टिक कर दो। फिर एग्जाम्पल देखा था, फटाफट देख लो, फाइनेंशियल ईयर 2021 ऐसा अज्यूम करते हैं अपने, इफ ही इज रिसाइडिंग इन इंडिया मोर देन 182 डेज इन फाइनेंशियल ईयर 1920, मतलब के लास्ट ईयर, तो PROI माना जाएगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1st April 2020, क्योंकि अपन ये साल का ढूंढ रहे हैं ना स्टेटस, तो 1st April 2020 से ये PROI ही माना जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रिसाइड्स इन इंडिया मोर देन 182 डेज इन फाइनेंशियल ईयर 1920 and goes outside India on 1st June 20, मतलब current year में वो बाहर जा रहे हैं। अगर current year में वो बाहर जा रहे हैं तो check करो किसके लिए जा रहे हैं, he is going for employment या business or vocation in USA, या he is going to visit his family in UK, United Kingdom for uncertain period, मतलब ये exception वाले category में follow रहे हैं, ये PROI हो जाएगा। More than 182 तो था, बट स्टिल करंट ईयर में वो किधर जा रहा है, तो वो ये US जा रहा है या तो UK जा रहा है, मतलब वो वहां का रेसिडेंट हो जाएगा। सो अपने साल में वो 1st June को इंडिया से निकला, मतलब 2nd June ऑनवर्ड्स उसको PROI माना जाएगा वो। तो देखो वो PROI था फ्रॉम 1st April to 1st June, बाद में वो PROI हो गया फ्रॉम 2nd June ऑनवर्ड्स,
सेकेंड जून, थर्ड जून, फोर्थ जून वगैरह, वो PROI बन गया। तो लाइक इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में क्या होता था, तुमको एक साल का रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट बोलना है। यहाँ पर एक साल का नहीं बोल रहे, यहाँ पर डेली स्टेटस चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट अप्रैल से फर्स्ट जून ही वॉज PRI बेस्ड ऑन द जनरल रूल के वो मोर देन 182 था इंडिया में लास्ट ईयर में, बट फर्स्ट जून को वो निकल गया, मतलब सेकेंड जून से अब वो PROI हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, resides in India for more than 182 days in financial year 1920 and leaves India for employment in USA on 1st December 19, मतलब अभी भी हम last year में ही है, we are talking about last year, मतलब 1920 में ही वो US चला गया है for employment and he comes to India on 2nd July 20 for any purpose other than employment, other than business, other than vocation, other than uncertain period. तो ये केस में क्या होगा, तो अगेन ये भी एक्सेप्शन में फॉल होता। तो पहले जब वो यूएस के लिए निकला ना, ये डेट 1st December 19, ये यूएस के लिए निकला, मतलब 2nd December से ऑनवर्ड्स वो PROI हो गया था वही साल में, लास्ट ईयर में ही, मतलब करेंट ईयर में भी वो PROI ही है, बट नाउ ही इज कमिंग टू इंडिया। तो कमिंग टू इंडिया तो चेक करो पर्पज क्या, इज इट एम्प्लॉयमेंट, अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है तो PROI बन जाएगा, बट हियर इज नॉट कमिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, नॉट कमिंग फॉर बिजनेस, नॉट कमिंग फॉर वोकेशन एंड नॉट कमिंग फॉर अनसर्टेन पीरियड, तो अभी भी वो PROI ही रहेगा। मतलब वो 2nd December onwards PROI था 1st July तक, एंड अब वो 2nd July को इंडिया पहुंच गया, तो 2nd July onwards भी वो PROI ही माना जाएगा। अगर यही केस में वो 2nd July को इंडिया आता फॉर अ जॉब, अगर ये केस में जॉब के लिए आता तो क्या होता, तो 2nd जुलाई ऑनवर्ड्स वो PROI माना जाता, बिकॉज एक भी दिन अगर इंडिया में है तो हमको उसको काउंट करना है इंडिया में, सो ही विल बिकम PROI। देखो इन द अबव एग्जांपल, इफ ही कम्स टू इंडिया ऑन 2nd जुलाई फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस वगैरह वगैरह, ये चार पर्पस के लिए, फॉर एनी नंबर ऑफ डेज, कितने भी दिन के लिए आने दो, तो 2nd जुलाई ऑनवर्ड्स हम उसको PROI मानेंगे। फिर ये था इंडिविजुअल्स का, अब कंपनीज वगैरह का देख लो। रिलायंस लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हैज 98% फ्रॉम सेल्स इन यूएसए, मतलब उसका इनकम जो है 98% है, बट जो भी है वो सब बाहर से आ रहा है, तो क्या करने का ये केस में, कोई बात नहीं, अगर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया है, आंख बंद करके PROI। फिर नेक्स्ट है एक चेन है ऑफ ब्रांचेस, ए कंपनी है इंडिया में, so it is by default person resident in India, it is controlling B company of Dubai. अब देखो B company है तो दुबई में, but controlled by whom? Controlled by PRI, मतलब ये भी PRI हो गया आग बन करके। फिर B company of Dubai is controlling C company of USA. अब देखो A company PRI था, उसके वजह से B company भी PRI बन गया, मतलब when B company is controlling C, मतलब एक PRI control कर रहा है C को, तो सी विल ऑल्सो बिकम PRI, मतलब या तो यू हैव टू बी इन इंडिया और यू हैव टू बी कंट्रोल्ड बाई PRI, तो ये जो भी ब्रांच वगैरह है वो PRI बन जाएगा। नेक्स्ट, ए कंपनीज ब्रांच लोकेटेड इन लंडन, दैट विल ऑल्सो बी PRI, ये जो ए कंपनी है ये इंडिया है, इंडिया का है, एंड ये भी PRI, मतलब उसका जो ब्रांच है वो भी PRI हो गया। एंड एक PROI कंपनी है अगर उसने ब्रांच खोला है इन इंडिया, मतलब बाहर की कंपनी है, PROI कंपनी है, बट उसने ब्रांच इन इंडिया खोला है, अब देखो इन इंडिया आ गया ना, तो PRI। तो ब्रांच के लिए सिंपल रूल, अगर इन इंडिया है वो तो PRI, अगर इन इंडिया नहीं भी है, समझो कंट्रोल्ड बाय PRI है, तो वो ब्रांच PRI। फिर नेक्स्ट है, व्हाट अबाउट अप टू 180 डेज का, 182 डेज का केस। ऊपर अपन ने जो पढ़ा चार्ट, दैट वॉज फॉर मोर देन 182, तो अप टू 182 डेज रहेगा इन इंडिया इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तो क्या करने का, तो नॉर्मली वो PROI हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, बट देयर इज अ स्मॉल सर्कुलर व्हिच सेज इफ ही इज कमिंग टू इंडिया इन द करंट ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन और अनसर्टेन पीरियड, देन वी विल हैव टू कंसीडर हिम एज PRI। मतलब इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वो अप टू 180 था, अप टू 182 था, समझो फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर में वो लेट्स से 179 डेज था वो, एंड अगर वो करंट ईयर में समझो इंडिया आ रहा है फॉर एनी ऑफ दीज पर्पजेस, तो उसको PRI मानना पड़ेगा। इन शॉर्ट अवर मंत्रा स्टिल स्टेज वैलिड, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, वोकेशन जहां का, रेसिडेंट वहां का। देख लो एग्जाम्पल उसका, मिसेज ए
stayed in US in financial year 1920 and came to India on 1st April 2020 for employment. देखो पूरा पूरा साल 1920 जो था वो US में था, मतलब up to 182 days. एक सेकेंड, ये दिखेगा नहीं, up to 182 days था outside India. और rather I can say stay in India was up to 182 because पूरा का पूरा बाहर ही था, मतलब इंडिया में जीरो था. अगर फिर भी वो इंडिया आ रही है फॉर एम्प्लॉयमेंट, देन PRI हो जाएगा स्टेटस फ्रॉम द डे शी लैंडेड इन इंडिया. तो 1st April 2020 से इंडिया. फिर नोट्स है, RBI का एक सर्कुलर 45 नंबर है उसका ऑफ 2003. मिस्टर ए रिसाइड फॉर मोर देन 182 डेज इन इंडिया लास्ट ईयर एंड लीव्स इंडिया ऑन 1st August 2020 फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज इन USA. अब अपन ने नॉर्मल रूल क्या पढ़ा है, normally if he goes for employment, business, vocation या uncertain period, then only he is PRY. अपन ने ये रूल पढ़ा कि भाई अगर ये साल में वो बाहर जा रहा है for employment, business, vocation या uncertain, तो ही वो PRY होगा. But as per RBI circular, students will be considered as PROI since they start working there to take care of studies and stay costs. मतलब उधर के सब खर्चे उठाने के लिए, स्टडीज का खर्चा उठाने के लिए दे स्टार्ट वर्किंग. तो हम ऐसा मानेंगे कि ये जो स्टूडेंट्स है हायर स्टडीज के लिए जाते हैं ना, वो उधर जाके एम्प्लॉयमेंट लेने ही वाले. मतलब स्टूडेंट्स जो गए हैं उनको भी हम क्या मानेंगे, PROI ही मान लेंगे. फिर एक केस स्टडी किया था एयर हॉस्टेस, वेरी वेरी फेमस केस स्टडी ऑलरेडी आज दिन ICAI एग्जाम. ऐसा है कि शी इज एम्प्लॉयड बाय ब्रिटिश एयरवेज जिसका हेड ऑफिस है यूनाइटेड किंगडम में. She flies 12 days a month and takes break for 18 days a month. Life हो तो ऐसी 12 दिन तुम, वो भी 12 दिन ऐसा नहीं कि काम करना है, हवा में घूमना है तुमको, and 18 दिन you will be taking a break. During her break, she is accommodated at Mumbai, which made her stay more than 182 days in that year in India. Calculate करोगे तो 18 दिन every month, that will of course be more than 182 days. तो उसका स्टे जो है वो एक्सीडेंटली मोर देन 182 डेज हो गया इन इंडिया. एंड वो भी क्यों हुआ, क्योंकि वो ब्रेक पे थी, उसके जॉब ने डिमांड किया इसके लिए. शी विल बी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया नेक्स्ट ईयर सिंस शी स्टेड इन मुंबई व्हाइल शी वाज एम्प्लॉयड बाय ब्रिटिश एयरवेज. शी डिड नॉट कम टू इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट. सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट एंड कमिंग टू इंडिया बिकॉज यू आर एम्प्लॉयड बाय समवन. टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, मैं इंडिया आई जॉब ढूंढने, टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट नहीं था ये इंडिया आई क्योंकि उसके जॉब ने डिमांड किया, मतलब एग्जिस्टिंग जॉब है उसके पास, इंडिया जॉब ढूंढने नहीं आई है वो, दैट इज वाई वो PROI रहेगी. तो इधर वो वाला रूल मत लगाना कि सर ये तो इंडिया आ रही है जॉब के वजह से, तो इंडिया आई तो जहां पर एम्प्लॉयमेंट वहां का रेसिडेंट, ऐसा नहीं. वो टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट था, दैट लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो शी हैज नॉट कम हियर टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट. Also, there is one more reason. When she was accommodated in Mumbai, it was due to her job requirement and it should be called as stay in India and not reside in India. देखो stay जो होता है और reside जो होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. Reside मतलब क्या, पूरा घर बार बसाना, it is almost like permanent. But stay क्या होता है, मजबूरी था, घर बार नहीं बसाना था उसको, खाली वो 18 दिन काटने थे. And that is why she was, you know, supposed to stay in India. That is like a temporary basis. So, ye stay tha, ye reside nahi tha. Apna rule jo hai, wo bolta hai, reside in India for more than 182. To hum tumko PRI bolenge. But ek must case hai, if Mumbai branch of British Airways had employed her, then she would have been person resident in India. Kyunki ab wo India aayi aur usne Mumbai mein ek branch hai, wo Mumbai wale branch se usne employment liya. Now that is called as taking up employment. अगर मुंबई वाले ब्रांच ने उसको हायर किया and she is in India for let's say 18 days a month and let's say more than 182 in a year, then it will be called as that, you know, she will be a person resident in India. Next is section 3, dealing in forex or foreign security etc. तो section 3 जो है वो एक general section है जो फॉरेक्स, फॉरेन सिक्योरिटी वगैरह से कैसे डील करना है वो बताएगा. एंड यहाँ पर बहुत सारे प्रोहिबिशन डाले, सेव एज अदरवाइज स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस, नो पर्सन शैल डू द फॉलोइंग. मतलब
ये एक्ट में रूल्स में और रेगुलेशंस में जो लिखा है वो फॉलो करो, वहां पर वो अलाउड होगा, बट अगर वहां पे कुछ भी नहीं लिखा तो यहाँ पर वो नॉट अलाउड हो जाएगा। तो नॉट अलाउड में टोटल चार चीजें हैं। पहला है नो पर्सन शैल डील विथ और ट्रांसफर फॉरेक्स और फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज्ड पर्सन। मतलब आपको ऑथराइज्ड पर्सन से ही डील करना है एंड ऑथराइज्ड पर्सन को ही ट्रांसफर करना है, उसके अलावा आप नहीं कर सकते किसी को। जैसे एग्जाम्पल, PROI came to India and sold $1,000 to a friend. Now this is a violation. Friend को नहीं करना है, authorized person को करना है। फिर next है no person shall make payment to or for the credit of या on behalf of PROI. मतलब PROI को payment मत करो, उसके credit या उसके behalf पे payment मत करो। Example, PROI pays insurance premium for PROI sister. ये violation हो गया। यहाँ पर तुम PRI के लिए ही करोगे, PROI के लिए नहीं। नेक्स्ट है नो पर्सन शैल रिसीव एनी पेमेंट फ्रॉम एनी वन अदर देन ऑथराइज पर्सन। मतलब पैसा रिसीव भी करना है तो भी ऑथराइज पर्सन से ही करना। फॉर एग्जाम्पल, रेस्टोरेंट एक्सेप्टेड $45 फ्रॉम अ फॉरेन टूरिस्ट। अब देखो, फ्रॉम अ फॉरेन टूरिस्ट है, फ्रॉम अ फॉरेन टूरिस्ट में तुमको चेक करना पड़ेगा वो टूरिस्ट जो है वो ऑथराइज है कि नहीं। नॉर्मली ऑथराइज नहीं होगा बिकॉज इंस्टीट्यूशंस आर ऑथराइज, इंडिविजुअल्स नॉर्मली नहीं होते। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट अगर ये फॉरेन टूरिस्ट से एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर वायोलेशन हो सकता है, बट ऑफ कोर्स देयर आर अदर एक्सेप्शंस आल्सो। तो ये जेन्युइन बिजनेस रिसीट होता है तो इट मे नॉट बी अ वायोलेशन। तो आगे एक्ट में उसके लिए भी पॉइंट्स आएंगे। फिर नेक्स्ट है एंटर इनटू अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया एज कंसिडरेशन फॉर और इन एसोसिएशन और क्रिएशन और ट्रांसफर ऑफ राइट्स टू अक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया बाय एनी पर्सन। मतलब इंडिया में ऐसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करो जिससे बाहर आउटसाइड इंडिया कोई तो भी एसेट अक्वायर होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल हवाला, मिस्टर ए पेड 75,000 रुपीस टू इंडियन एजेंट हु इन टर्न आस्क्ड अमेरिकन एजेंट टू पे $1,000 टू मिस्टर एज ब्रदर इन USA। दिस इज कॉल्ड एज अ हवाला ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन भी वायोलेशन में आते, सेम लाइक वॉट वी हैड सेड इन मनी लॉन्ड्रिंग। Now, who are these authorized persons जिनसे हमको डील करना है, जिनको हम ट्रांसफर करेंगे, जिनसे हम रिसीव करेंगे। ऑथराइज पर्सन इज ऑथराइज बाय द RBI अंडर सेक्शन 10। ऑथराइज पर्सन में आता है ऑथराइज डीलर, फिर मनी चेंजर एंड देन ऑफशोर बैंकिंग यूनिट। ऑथराइज डीलर नॉर्मली ये सब बैंक्स होते हैं, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, एंड होटल्स, टूर एजेंट्स, ये सब भी आ सकते हैं ऑथराइज पर्सन में। तो ऑथराइज डीलर इज लाइक अ डीलर विच डील्स इन एवरीथिंग, नॉट जस्ट मनी चेंजिंग। डॉलर टू रुपी, रुपी टू पाउंड, ये सब तो करेगा ही, साथ में और भी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। मनी चेंजर सिर्फ वो कन्वर्ट करेगा। ऑफशोर बैंकिंग यूनिट बाहर का कोई बैंक होगा, उसने यहाँ पर कोई ब्रांच खोली रहेगी। फिर सेक्शन 4 बोलता है होल्डिंग ऑफ फॉरेक्स के ऊपर थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। सेव एज अदरवाइज एल्सवेयर स्पेसिफाइड और सेव एज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन दिस एक्ट रूल्स और रेगुलेशंस। मतलब अगेन, एक्ट रूल्स और रेगुलेशन में जो लिखा है वो फॉलो करो, अगर वहां पर फॉलो नहीं, वहां पर लिखा नहीं है फॉर एग्जांपल, देन यू अप्लाई दिस रूल दैट PRI कैनॉट अक्वायर, ओन, होल्ड और ट्रांसफर। अक्वायर मतलब बाय करना, ओन या होल्ड मतलब क्या, तो अपने पास रखना, या ट्रांसफर मतलब बेचना। PRI कैनॉट डू दिस, कैनॉट ओन, अक्वायर, होल्ड और ट्रांसफर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया। मतलब सेक्शन 4 बोलता है कि नॉर्मली यहाँ पर अलाउड नहीं है फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन करेंसी, फिर सिक्योरिटी और इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया नहीं ले सकता PRI। बट अगेन, एल्सवेयर स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट रूल्स और रेगुलेशन बोला है, तो आगे हम पढ़ेंगे कोई कोई जगह पे उसको अलाउ करेंगे। फिर सेक्शन 8 है रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन ऑफ फॉरेक्स। रियलाइजेशन, रिपेट्रिएशन मतलब क्या, तो बेसिकली अगर तुम US के हो, US वाला अगर इंडिया आता है और इंडिया में आके कुछ कमाता है एंड इफ ही वांट्स टू टेक इट बैक, तो उसको अपन बोलते हैं रिपेट्रिएशन। सिमिलरली यहाँ पर समझो, अगर तुम कोई एक्सपोर्टर हो और तुमको डॉलर रिसीवेबल है, दैट इज कॉल्ड एज रिपेट्रिएशन। तो देखो, इफ एनी फॉरेक्स इज ड्यू और हैज अक्रूड टू अ PRI, देन PRI शैल टेक स्टेप्स टू रियलाइज एंड रिपेट्रिएट सच फॉरेक्स टू इंडिया विद इन द टाइम पीरियड एंड मैनर स्पेसिफाइड बाय RBI। इसके लिए एक्सपोर्ट के बहुत सारे रूल्स अपने को पढ़ना है आगे चैप्टर में। तो जो PRI है, अगर उसको डॉलर्स रिसीवेबल है, तो उसको रिपेट्रिएट मतलब कि इंडिया में लेके आना है, रियलाइज करना है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। देन सेक्शन 9
एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपेट्रिएशन, अभी जो ऊपर अपन ने पढ़ा सेक्शन 4 एंड सेक्शन 8, सेक्शन 4 एंड सेक्शन 8 विल नॉट अप्लाई टू द फॉलोइंग, किसको किसको अप्लाई नहीं करेगा, तो पोजेशन ऑफ फॉरेक्स या फॉरेन कॉइन्स अप टू अ लिमिट, लिमिट नॉट इन सिलेबस नाउ, पहले $2000 तक होता था, फिर फॉरेन करेंसी अकाउंट अप टू अ लिमिट, मतलब आप यहाँ पर करेंसी, यहाँ पर कॉइन्स, यहाँ पर एक अकाउंट फॉरेन करेंसी में जो खोला रहेगा वो ये तुम होल्ड कर पाओगे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन अप टू अ लिमिट. फिर नेक्स्ट है फॉरेक्स अक्वायर्ड और रिसीव बिफोर 8 जुलाई 1947, हेल्ड आउटसाइड इंडिया एंड एनी इनकम अक्रूड ऑन इट, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह आ रहेगा तो वो, तो दिस इज फ्रीली अलाउड, ये तुम होल्ड कर सकते हो अगर तुमने ये अक्वायर या रिसीव किया था बिफोर दिस डेट, अगर तुम जिंदा हो तो होल्ड कर लो. नेक्स्ट फॉरेक्स हेल्ड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया अप टू अ लिमिट इफ सच फॉरेक्स वॉज अक्वायर्ड बाय गिफ्ट और इनहेरिटेंस फ्रॉम द अबव मेंशन्ड पर्सन एंड एनी इनकम अक्रूड ऑन इट. मतलब ये पर्सन जो है थर्ड वाला, बाबा आजम के जमाने वाला, इसने अगर गिफ्ट या इनहेरिटेंस दिया किसी को, देन दैट पर्सन जिसने ये रिसीव किया वो भी अप टू अ लिमिट होल्ड कर सकता है. अगेन लिमिट्स नॉट इन सिलेबस. एंड लास्ट फॉरेक्स अक्वायर्ड फ्रॉम बिजनेस, ट्रेड, वोकेशन, सर्विस, गिफ्ट, ऑनरेरियम, इनहेरिटेंस और एनी लेजिटिमेट मीन्स अप टू अ लिमिट. मतलब कोई प्रॉपर लेजिटिमेट मीन है लीगल मीन्स से, जैसे कि धंधे का पेमेंट है या गिफ्ट मिला है वगैरह वगैरह, देन इन दैट केस ऑल्सो अप टू अ लिमिट यू कैन होल्ड, नो प्रॉब्लम. All limits specified by RBI and now it is removed from your syllabus. Fir next hai, section 5, very 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 important. Current account transactions. Any person may sell or buy foreign exchange to or from, matlab sell to ya buy from an authorized person if such sale or drawal is a current account transaction. Matlab agar aapko current account transaction karna hai to authorized person se buy ya sell karne ka. Now what is current account transaction? तो वो अपना definition वाला section, section 2 बोलेगा. Current account transaction, it is a transaction which is not a capital account transaction. खाली इतना लिखा तो चार में से एक mark भी नहीं मिलेगा. It is a transaction other than capital account transaction that includes but not limited to. मतलब ये चार जो नीचे लिखा है वो inclusion में है, इसके अलावा भी बहुत सारे. That includes the following. पहला, any payment with respect to foreign trade, business, interest on loan और इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब फॉरेन ट्रेड बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई पेमेंट रहेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन या तो पेड या रिसीव्ड, सिमिलरली इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो रिसीव हुआ है. फिर पेमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन एजुकेशन, ट्रैवल और मेडिकल केयर ऑफ हुम, ऑफ माई सेल्फ, माई स्पाउस, मतलब वाइफ, किड्स, बच्चे एंड पेरेंट्स, ऊपर वाले, ऊपर वाले मतलब नॉट ऊपर वाले, ऊपर वाले मतलब लाइन में जो ऊपर आता है मॉम डैड. यहाँ पर आ सकता है ग्रैंड पेरेंट्स नॉट अलाउड है, तो इन केस अगर किसी को घुमाने का रहेगा तो यहाँ पर वो घुमा सकते हैं. बट अगर मैंने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए फॉर एग्जांपल समझो ट्रैवल का खर्चा पे किया, देन इट इज स्टिल अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन व्हिच वी विल बी स्टडीइंग अहेड शेड्यूल 1-3. तो ये लिखा ना बट नॉट लिमिटेड टू, तो उसको एकदम लिटरली नहीं लेने का, यहाँ पर ग्रैंड पेरेंट्स भी आ जाएगा. फिर नेक्स्ट है रेमिटेंसेस फॉर लिविंग एक्सपेंसेस ऑफ अगेन दीज फोर, सेल्फ, स्पाउस, किड्स, पेरेंट्स, मतलब उनका रहने का खर्चा, डे टू डे मेंटेनेंस का खर्चा. फिर शॉर्ट टर्म बैंक और क्रेडिट फैसिलिटी इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब शॉर्ट टर्म अगर तुम ले रहे हो तो वो करंट हो जाएगा, लॉन्ग टर्म जो ले रहे हो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पर कोई शॉर्ट टर्म ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट वगैरह फैसिलिटी लिया है तो कोई बात नहीं, वो भी करंट में आएगा क्योंकि यू आर गोइंग टू पे इट ऑफ वेरी सून. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, रेस्ट्रिक्शंस अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन रूल्स 2000. याद रखना है ये रूल्स, बिकॉज शेड्यूल 1-3 जो हम पढ़ेंगे, शेड्यूल 1-3 ऑफ फेमा लिखा तो पेज फाड़ दूंगा मैं चेक ही नहीं करूंगा आगे. तो शेड्यूल 1 इज ऑफ फेम कैट रूल्स 2000, शेड्यूल 2 इज ऑल्सो ऑफ द सेम, शेड्यूल 3 इज ऑल्सो ऑफ द सेम. तो ऑफ फेमा कोई भी नहीं लिखेगा. ऑल्सो ईयर इज डिफरेंट, 1999 में एक्ट आया था, 2000 में ये रूल्स आया. तो शेड्यूल 1 बोलता है कि दीज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन विल बी प्रोहिबिटेड. उसके लिए अपन ने शॉर्ट फॉर्म बनाया, 3 ऐसे पेमेंट्स है सीसीसी, 5 ऐसे रेमिटेंसेस है ड्रिल, ऐसा शॉर्ट फॉर्म बनाया. शेड्यूल 2 में प्रायर अप्रूवल ऑफ सीजी लगेगा, उसके लिए शॉर्ट फॉर्म है सीए फाइनल इंपॉर्टेंट सीपीटी. एंड लास्ट शेड्यूल आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लगेगा, वी स्टेम्ड करके है. देखो शेड्यूल 1
ड्रॉवल ऑफ फॉरेक्स इज प्रोहिबिटेड फॉर द फॉलोइंग, पांच रेमिटेंसेज अगर तुमको करने हैं ड्रिल नाम के, देन इट इज प्रोहिबिटेड. पहला, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय अ कंपनी टू हुम डिविडेंड बैलेंसिंग अप्लाइज. आज के जमाने में अप्लाई नहीं करता है, बट पहले के टाइम पे अप्लाई करता था. तो अगर तुमको ये डिविडेंड पे करना है, इफ यू आर दैट टाइप ऑफ अ कंपनी, यहाँ पर इट इज प्रोहिबिटेड. मतलब क्या करने का फिर? तो यहाँ पर पूरा जो अपन शेड्यूल वन पढ़ रहे हैं उसमें बोला है कि डॉलर नॉट अलाउड, मतलब कि फॉरेक्स नॉट अलाउड है, इसको रूपी में पे कर दो कोई बात नहीं. तो एनीवे दिस इज आउटडेटेड, तो इसको जाने दो. फिर नेक्स्ट है रेसिंग और राइडिंग इनकम. हाँ, ये तुम रेमिट कर सकते हो बट रूपीज में. यहाँ पर प्रोहिबिटेड मतलब क्या, डॉलर्स में नॉट अलाउड, रूपी में चलेगा करना है तो. फिर इंटरेस्ट इनकम ऑन फंड्स हेल्ड इन एनआरएसआर स्कीम अकाउंट, नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपीज स्कीम करके खोला था, उसमें नॉन रेसिडेंट्स को यहाँ पर आने देते थे और उनको अकाउंट खोलने देते थे एंड उनको इंटरेस्ट कुछ तो भी इनकम होता था. तो ये जो इनकम हो रहा है, अगेन इन डॉलर्स नॉट अलाउड, इन रुपीज ले लो कोई बात नहीं. अगेन दिस स्कीम इज नाउ आउटडेटेड. फिर आउट ऑफ लॉटरी विनिंग्स, लॉटरी विनिंग से अगर तुमको कुछ बाहर यू नो रेबिट करना है, कोई बात नहीं, करना है तो करो, रुपीज में करना, डॉलर्स में नॉट. तो ये भी प्रोहिबिट हो गया इन डॉलर्स. फिर रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन, अश्लील मैगजीन वगैरह, फुटबॉल पूल्स अगर तुमको कोई टीम वगैरह बाय करना है, स्वीप स्टेक. व्हाट इज स्वीप स्टेक? तो बेसिकली लाइक अ कॉन्टेस्ट, उसमें चिट्ठी निकलता है, अगर तुम्हारा नाम आया तो तुमको कोई तो भी प्रोडक्ट या गुड्स मिलेगा फ्री में, उसके लिए भी एक एंट्री फी होता है. तो अगर तुमको स्वीप स्टेक में स्वीप स्टेक में अगर तुमको कोई ये डालना है, पैसा डालना है, एंट्री फी डालना है, लॉटरी टिकट वगैरह के लिए तुमको डालना है कोई पैसा, तो तुम डॉलर में नहीं डाल सकते, इट इज प्रोहिबिटेड. मतलब रूपी में डालो कोई बात. ये थे पांच रेमिटेंसेस ड्रिल नॉट अलाउड इन डॉलर्स. फिर नेक्स्ट है पेमेंट. तीन टाइप के पेमेंट है सीसीसी. पहला है रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज. अगेन आज के तारीख में नॉट रेलेवेंट, कॉल बैक सर्विसेज आज ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, बट ठीक है, कॉल बैक सर्विसेज पहले हुआ करता था, टेलीकॉम ऑपरेटर्स प्रोवाइड करते थे. तो अगर तुमको डॉलर में पे करना है तो नहीं चलेगा, प्रोहिबिटेड, रूपी में करो कोई बात. फिर नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड टूवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट, होली ओन सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर अब्रॉड ऑफ एनी इंडियन कंपनी. एक इंडियन कंपनी का अगर समझो बाहर कोई इन्वेस्टमेंट रहेगा या उसका कोई सब्सिडरी रहेगा या जॉइंट वेंचर रहेगा, अगर तुम उसको कोई चीज एक्सपोर्ट करते हो तो ये तो अपना ही कंपनी है, तो ये केस में काय का कमीशन? मतलब अगर देना भी है तो कोई इंडियन को दो, बाहर वाले को मत दो. तो बेसिकली डॉलर्स में नॉट अलाउड कमीशन. बट हाँ, एग्जाम में ऐसा घुमा सकते हैं, अगर तुमने एक्सपोर्ट किया टूवर्ड्स योर होली ओन सब्सिडरी तो वो चलेगा, अगर तुमने उसके ऊपर कमीशन पे किया इन डॉलर्स वो नहीं चलेगा. तो रिमेम्बर, एक्सपोर्ट अलाउड, कमीशन नॉट अलाउड. ऑल्सो यहां पर डॉलर्स का बात है, मतलब तुमको रुपीज में देना है तो दे दो कोई बात नहीं. नेक्स्ट सी है कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स मेड अंडर द रुपी स्टेट क्रेडिट रूट, RSCR. अब यहां पर क्या होता है, तो नॉर्मली इंडिया और रशिया के बीच में देयर इज अ ट्रेड अग्रीमेंट जिसमें हम रुपीज में डील करेंगे, हम रशिया को रुपीज देंगे, रशिया भी हमको रुपीज देगा. तो ये केस में तुम जो कमीशन पे कर रहे हो वो भी रुपीज में ही रखना. तो यहाँ पर प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है, फॉरेक्स में तुम पे नहीं कर सकते, दिस इज प्रोहिबिटेड, रुपी में तो कोई बात नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक्सेप्शन है, कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू इज अलाउड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टोबैको. टी एंड टोबैको अगर तुमको एक्सपोर्ट करना है ना, क्योंकि देखो वो हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है, हाईली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है एंड हाई इन सप्लाई है फॉर इंडिया. अगर ये तुमको बिकवाना है टी एंड टोबैको, इस पर अच्छा खासा प्रॉफिट भी आता है, तुमको अगर कमीशन देना है तो दे दो अप टू 10%. अच्छा, कमीशन जो देना है अप टू 10% वो किस में दे सकते हो? वो डॉलर में दे सकते हो. अच्छा, क्या किसी को 20% कमीशन देना है और रुपी में देना है तो चलेगा? बिंदास चलेगा. ये जो प्रोहिबिशन है वो किसके लिए है? फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि कमीशन पेइंग इज नॉट अलाउड RSCR रूट के अंडर विच इज इन डॉलर्स, बट डॉलर्स के लिए ही अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू चलेगा. तो डॉलर में अगर पे कर रहे हो तो अप टू 10% कर दो, हमको कोई वांधा नहीं, फॉर टी एंड टोबैको. अगर यही केस में समझो, टी एंड टोबैको के केस में अगर 20% पे किया कमीशन इन रुपीस तो चलेगा, क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन है इज ओनली फॉर डॉलर्स. फिर यहाँ पर थोड़ा फॉर योर इन्फॉर्मेशन है, NRSR नॉन रेसिडेंट स्पेशल रूपी अकाउंट, RSCR इज रूपी स्टेट क्रेडिट रूट, एंड स्वीपस्टेक इज लाइक लॉटरी कॉन्टेस्ट वेयर विनर्स गेट प्रोडक्ट्स गुड्स वगैरह वगैरह. फिर नीचे एक मस्त नोट लिखा है, ड्रॉवल ऑफ फॉरेक्स इज प्रोहिबिटेड, रूपी कैन बी यूज्ड
फॉर द अबव ट्रांजेक्शन. मतलब वही है कि भाई जो भी तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन डाला है वो डॉलर के पेमेंट में डाला है, रूपी के केस में देर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन. नेक्स्ट इज शेड्यूल टू, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रायर अप्रूवल इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन. बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, अपना शॉर्ट फॉर्म रहेगा सी ए फाइनल इंपॉर्टेंट सीपीटी, 9 ट्रांजेक्शन. सी पहला शुरू होगा कल्चरल टूर. कल्चरल टूर के लिए अगर तुमको फॉरेक्स का जरूरत पड़ा, कल्चरल टूर मतलब एनी म्यूजिक आर्ट डांस वगैरह के लिए तुम इंडिया से बाहर गए परफॉर्म करने के लिए, कोई भी खर्चा वगैरह हुआ उसके लिए, तो सीजी का अप्रूवल लगेगा. सीजी मतलब क्या, तो यू विल नीड अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉमा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड कल्चर. ये डिपार्टमेंट में जाके एप्लीकेशन फाइल करो, ये मिनिस्ट्री तुमको क्या करेगा, अप्रूवल लाके देगा. फिर ए से होएगा एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया फॉर पर्पसेस अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ओनली इफ अमाउंट एक्सीड्स 10,000. बहुत सारा कंडीशन है. पहला कंडीशन, फॉरेन प्रिंट मीडिया होना चाहिए, मतलब बाहर का कोई न्यूज़पेपर, मैगजीन वगैरह, रेडियो टीवी ये वो सब फ्रीली अलाउड है, कोई बात नहीं. बट अगर फॉरेन प्रिंट मीडिया है तो पर्पस चेक करो, पर्पस शुड बी अदर देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल बिडिंग. मतलब अगर टूरिज्म वगैरह के लिए करता है तो फ्रीली अलाउड, अदर देन दैट है तो यहाँ पर कवर होगा. कौन एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट एड दे रहा है बाहर, या उसका कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाहर एड दे रहा है. बाद में लिमिट चेक करो, इफ इट एक्सीड्स 10,000 देन ओनली यू विल नीड प्रायर अप्रूवल. किसका प्रायर अप्रूवल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. दिस इज प्रिंट ओनली, अदर मोड्स आर फ्रीली अलाउड. फिर एफ से आएगा रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाई PSU. PSU कभी भी कोई वेसल चार्टर करता है, रेंट वगैरह पे लेता है, तो उसको फ्रेट पे करना पड़ेगा टू यूज दैट वेसल. जो भी फ्रेट पे करना है, टेक परमिशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट चार्टरिंग विंग. उसमें जो भी अलग अलग विंग्स होंगे उसमें से चार्टरिंग विंग में तुमको जाना है. फिर आई आएगा, आई से है पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट by public sector undertaking or any government department on CIF basis, cost including insurance and freight. अगर ये basis पे तुमको payment करना है, then you will need approval of the same ऊपर जो था Ministry of Surface Transport chartering wing. But अगर FOB FAS basis पे है तो कोई बात नहीं, free on board या free alongside ship तो कोई बात नहीं. फिर M से आएगा multimodal transport operators making remittance to their agents abroad. जो लोग बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स में डील करते हैं, जैसे कि एरोप्लेन का बुकिंग भी यही करेंगे, गाड़ी का बुकिंग भी यही करेंगे, ट्रेन का बुकिंग भी यही करेंगे वगैरह, अगर ये अपने बाहर वाले एजेंट्स को कुछ पैसा देते हैं तो दे विल नीड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, DGS बोलते हैं इसको. फिर पी से आएगा रेमिटेंस ऑफ मेंबरशिप ऑफ PNI क्लब, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब. बेसिकली शिप वालों के लिए ये है, अगर शिप को समझो कोई नुकसान हो गया, डूब गया, आग लग गया वगैरह, तो यहाँ पर उनको इंश्योरेंस मिलता है. तो अगर तुम उसका प्रीमियम पे कर रहे हो, और इन अदर वर्ड्स यू आर पेइंग अ मेंबरशिप ऑफ दिस क्लब, देन यू विल नीड परमिशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंश्योरेंस डिविजन. उसके बाद सी पी और टी बचा. सी से आएगा रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द रेट प्रिस्क्राइब बाई DGS, एंड उसके लिए तुमको परमिशन लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट एंड अगेन उसमें DGS. तो ये जो DGS होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग, उसने एक रेट प्रिस्क्राइब किया रहेगा, उसके ऊपर अगर तुम भरते हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा, यू विल नीड अप्रूवल. व्हाट इज कंटेनर डिटेंशन चार्ज, तो अगर पोर्ट से तुम अपना कंटेनर राइट टाइम पे कलेक्ट नहीं करते तो वो लोग डिटेन कर लेंगे, यू विल हैव टू पे सम डैमेजेस और पे सम फाइन, विच इज कॉल्ड एज CDS, कंटेनर डिटेंशन चार्ज. फिर पी से आएगा रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी और स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड. मतलब यहां से तुम कोई प्राइज मनी पे कर रहे हो किसी को, या स्पॉन्सरशिप पे कर रहे हो अगर, बाय पर्संस अदर देन इंटरनेशनल, नेशनल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स बॉडीज. मतलब ये BCCI वगैरह नहीं चलेगा, उनको फ्रीली अलाउड है,
उनके अलावा अगर कोई स्पॉन्सरशिप दे दे, जैसे कि पतंजलि ने अगर स्पॉन्सरशिप दिया या जियो ने अगर कोई स्पॉन्सरशिप दिया वगैरह, देन इफ द अमाउंट एक्सीड्स 1 लाख डॉलर तो उनको अप्रूवल लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का। फिर लास्ट है टी, रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपॉन्डर्स बाय टेलीविजन चैनल्स या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। अब ये टीवी और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, इनको सिग्नल किधर से आता है, तो सैटेलाइट के थ्रू आता है, दैट इज ट्रांसपॉन्डर। वो ट्रांसपॉन्डर अगर इन्होंने हायर किया तो ही वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह रेमिट कर पाएंगे। तो अगर टीवी वाले पे कर रहे हैं, टीवी वाले के लिए अप्रूवल विल बी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एंड अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है अगर कोई, तो ये केस में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी, इसका अप्रूवल लगेगा। उसके बाद शेड्यूल थ्री, शेड्यूल थ्री में आरबीआई अप्रूवल इज नीडेड फॉर द फॉलोइंग। अगर इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल्स पेमेंट कर रहे हैं तो वी स्टेम्ड करके शॉर्ट फॉर्म, अगर अदर देन इंडिविजुअल्स पेमेंट कर रहे हैं तो डीसीपी करके एक शॉर्ट फॉर्म। वी स्टेम्ड, पहले वी विल स्टार्ट विद इंडिविजुअल्स। फॉर इंडिविजुअल्स दे कैन ड्रॉ अप टू 2.5 लाख पर एनम फ्रीली फॉर वी स्टेम्ड एंड अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस नॉट कवर्ड अंडर 1 एंड 2। 1 एंड 2 में जो कवर नहीं थे वो अब 3 में सन्ड्री हो गए। सबका मिला के टोटल लिमिट है 2.5 लाख US डॉलर, मतलब क्यूमुलेटिव लिमिट है ये। अंडर द LRS, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम बोलते हैं इसको, जो 2.5 लाख डॉलर वाला है उसको LRS बोलते हैं। ड्रॉवल ऑफ मोर देन 2.5 लाख शैल नीड RBI's प्रायर अप्रूवल। बट तीन ऐसे केस है, SEM1, SE1 और M1, ये तीन केस में ड्रॉवल कैन बी मोर देन 2,50,000 डॉलर विदाउट RBI अप्रूवल। उसमें क्या कंडीशन है, तो वहां की यूनिवर्सिटी, वहां का मेडिकल इंस्टीट्यूट या वहां की कंट्री ने अगर तुमको एक एस्टिमेट दिया विच इज मोर देन 2.5 लाख, अगर वो लोग एस्टिमेट दे रहे तो कोई बात नहीं, यू कैन यू नो ड्रॉ मोर देन 2.5 लाख डॉलर, कोई बात नहीं। वी स्टैंड क्या है, वी विल स्टैंड फॉर प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल भूटान। नेपाल भूटान के लिए तुमको फॉरेक्स नहीं चाहिए, रुपीज चलता उधर। तो अगर और कोई कंट्री में तुमको विजिट करना है तो 2.5 लाख तक अलाउ, उसके ऊपर अप्रूवल। फिर एस से आएगा स्टडीज अब्रॉड, बाहर पढ़ने जा रहे हो तो। टी से आएगा ट्रैवल फॉर बिजनेस या अटेंडिंग एनी कॉन्फ्रेंस या ट्रेनिंग। मेडिकल एक्सपेंस करना है तुमको, चेकअप करवाना है तुमको बाहर, और अकंपनिंग एज अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट या चेकअप। बहुत सारे सर्विसेज है। पहले तो ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस, तुम बिजनेस के लिए ट्रिप मारा है तुमने, या कोई कॉन्फ्रेंस या ट्रेनिंग अटेंड करना है तुमको, मेडिकल एक्सपेंस करना है तुमको या चेकअप करवाना है। सी मेडिकल ट्रीटमेंट इधर नहीं आएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट अलग से नेक्स्ट पॉइंट में आएगा नीचे। और अकंपनिंग एज एन अटेंडेंट, मतलब एक पेशेंट है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है बाहर, तुम उसके साथ खाली कंपनी देने जा रहे हो, तो तुम्हारा भी खर्चा होने ही वाला है थोड़ा बहुत, तो वो भी यहाँ पर कवर है टी वाले पॉइंट में। E1 एमिग्रेशन, मतलब के सेटल होने जा रहे बाहर। M1 इज मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। M2 इज मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, क्लोज रिलेटिव्स नॉट डिफाइंड, उनका डेली का खर्चा जो रहता है वो। फिर E2 एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, जॉब लेने गए हो थोड़ा बहुत खर्चा होएगा। D से आएगा डोनेशन या गिफ्ट, एंड एनी अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन नॉट कवर्ड इन 1 एंड 2। ये सब के लिए टोटल लिमिट है 2.5 लाख डॉलर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एक के लिए इंडिविजुअल है, दिस इज 2.5 लाख डॉलर पर ईयर, पर एनम। उसके बाद ये जो SEM1 है, S मतलब के स्टडीज, E1 मतलब एमिग्रेशन, M1 मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट। इंडिविजुअल्स कैन ड्रॉ मोर देन 2.5 लाख डॉलर विदाउट RBI's अप्रूवल इफ रिक्वायर्ड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर स्टडीज, इफ रिक्वायर्ड बाय एमिग्रेशन कंट्री फॉर E1 विच इज एमिग्रेशन, एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफरिंग द ट्रीटमेंट फॉर M1 विच वॉज मेडिकल ट्रीटमेंट, वट एवर द केसेस। तो इनसे अगर तुमको यू नो इट इज रिक्वायर्ड बाई देम दैट यू नीड टू पे लेट्स से 3 लाख डॉलर और 4 लाख डॉलर, अगर वो लोग रिक्वायर कर रहे हैं तो दे विल सेंड यू सम डॉक्यूमेंटेशन, सेव दैट डॉक्यूमेंटेशन बिकॉज दिस इज फ्रीली अलाउड। फिर अ पर्सन रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया, अगर एक ऐसा पर्सन है जो PRI तो है बट नॉट परमानेंट PR है,
ऐसे लोग कौन होते हैं, तो नीचे डेफिनेशन है, कवर किया है, देखेंगे. बट बिफोर दैट रूल देख लो. तो एक PRI जो एक परमानेंट रेसिडेंट नहीं है, हु इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट अदर देन पाकिस्तान, या हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट हु इज ऑन डेप्यूटेशन टू एनी ऑफिस और ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी और सब्सिडरी और जॉइंट वेंचर ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, एक इंडियन सिटीजन है जो गूगल के US ऑफिस में काम करता है. अब उसको गूगल इंडिया भेजा गया है, गूगल इंडिया के लिए वो काम करेगा, मतलब के डेप्यूटेशन है, या समझो कोई ऑफिस या ब्रांच या सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर इन इंडिया में वो आके काम कर रहा है. किसका ये ऑफिस ब्रांच वगैरह होना चाहिए? गूगल का, मतलब के गूगल US का. तो अगर ऐसे इंडिया में वो आ रहा है, तो इंडिया में आके वो कुछ तो भी पैसा कमाएगा. सिमिलरली यर वो इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन स्टेट, अगर वो भी इंडिया आ रहा है काम के लिए, वो भी पैसा कमाएगा. दे मे, ये दोनों मे मेक रेमिटेंस ऑफ अमाउंट अप टू नेट सैलरी विच इज आफ्टर टैक्स और प्रोविडेंट फंड और एनी अदर डिडक्शन, मतलब के नेट जो फाइनल इन हैंड होता है वो, फ्रीली. मतलब ऐसे लोगों को जो रेसिडेंट तो है बट परमानेंटली नहीं है, वो लोग जाने वाले, तो उनको बोला है तुम्हारा नेट सैलरी जो है वो तुम लेके जाओ फ्रीली विदाउट एनी लिमिट, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ हु इज दिस पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बट नॉट परमानेंटली? तो एनी पर्सन रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया इज अ पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑन अकाउंट ऑफ, पहला, हिज एम्प्लॉयमेंट और डेप्यूटेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, और ऑन अकाउंट ऑफ हिज स्पेसिफिक जॉब और एनी अदर असाइनमेंट हुज ड्यूरेशन इज अप टू 3 years. दोनों में फर्क है. फर्स्ट केस में वो एम्प्लॉयमेंट या डेप्यूटेशन के लिए आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर गूगल इंडिया में आके वो जॉब कर रहे हैं. एंड अगर स्पेसिफाइड ड्यूरेशन है, लेट्स से स्पेसिफाइड ड्यूरेशन में यू कैन कंसिडर एनीथिंग, लेट्स से 2 years है फॉर एग्जाम्पल. अगर 2 साल है, मतलब कि वो 2 साल में चला जाएगा, तो ही इज PRI बट नॉट परमानेंटली. सिमिलरली यहाँ पर हिज स्पेसिफिक जॉब और एनी असाइनमेंट, वो अकाउंट पे वो यहाँ पर आया है ओनली वन स्पेसिफिक जॉब. इस एग्जांपल द प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए, प्राइवेट डिटेक्टिव जासूसी वगैरह करने के लिए आया है, हुज ड्यूरेशन इज अप टू 3 years. तो इसका ड्यूरेशन सेकंड वाले केस में, अगर एक स्पेसिफिक जॉब के लिए आया ना, तो अप टू 3 years का ड्यूरेशन देखो. एंड यहाँ पर नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट या डेप्यूटेशन, मतलब के रूटीन काम, सब काम करने के लिए आया है, तो स्पेसिफाइड ड्यूरेशन होना चाहिए. ये दोनों ही केस में इट इज वेरी मच क्लियर, यहाँ पर स्पेसिफाइड है मतलब वो वापस जाने वाला है, यहाँ पर तो ड्यूरेशन ही अप टू 3 years का बोला है मतलब वो वापस जाने वाला है. तो दीज पीपल आर कॉल्ड एज PRI बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट. ऑल्सो देर इज अ पॉइंट वेयर अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल मे अवेल फॉरेक्स फैसिलिटी अंडर LRS एज पर अबव लिमिट्स फॉर अबव मेंशन्ड पर्पसेस. मतलब ऐसा नहीं था कि ऊपर इट वॉज ओनली फॉर इंडिविजुअल्स, यहाँ पर कोई भी कर सकता है, देर इज नो सच क्राइटेरिया. बट ऐसा क्यों लिखा था? बिकॉज नेक्स्ट वाले पॉइंट में नीचे अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए देर इज अ स्पेसिफिक इंक्लूजन. चलो अब नेक्स्ट है फैसिलिटीज फॉर पर्संस अदर देन इंडिविजुअल्स. ऊपर जो था वो इंडिविजुअल्स के लिए था, बट नीचे हमने एक नोट भी देखा कि अदर देन इंडिविजुअल्स जो होंगे वो भी वी स्टेम्ड कर पाएंगे. नाउ दीज आर द फैसिलिटीज, 4 facilities है, DCCP. ये जो है दिस इज ओनली फॉर पर्संस अदर देन इंडिविजुअल्स, कंपनी वगैरह वगैरह के लिए. इनके लिए इफ द अमाउंट एक्सीड्स द फॉलोइंग, राइट वाला जो कॉलम है, देन RBI अप्रूवल विल बी नीडेड. डी से आएगा डोनेशंस. डोनेशन फॉर वॉट? डोनेशन फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. चेयर मतलब एक पोजिशन, जैसे अगर किसी को ट्रस्टी वगैरह बनने का रहेगा तो. फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ फंड अदर देन इन्वेस्टमेंट फंड प्रमोटेड बाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. मतलब फॉर एग्जाम्पल IIT रहेगा, तो IIT का समझो कोई स्वच्छ भारत का फंड रहेगा, ये इंडिया का हो गया. वैसे ही समझो बाहर का रहेगा, समझो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रहेगा. अब उसके लिए अगर तुमको डोनेशन देना है ऐसे फंड के लिए, यू माइट नीड डॉलर्स. तो इन्वेस्टमेंट फंड नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉफिट मेकिंग मोटिव नहीं चाहिए यहाँ पर. इट इज अ फंड, इसको हम एंडाउमेंट फंड बोलते हैं, एक अच्छे से पर्पस के लिए वो यूज होता है. फिर कॉन्ट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट और बॉडी इन द फील्ड ऑफ डोनर कंपनीज एक्टिविटी. अगर मेरा कंपनी समझो कोरोना वैक्सीन पे रिसर्च कर रहा है,
और मैंने किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट या बॉडी को डोनेशन दिया या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, वो भी यही कर रहा है, कोरोना का वैक्सीन का R&D कर रहा है, देन उसके लिए हम ये लिमिट्स चेक करेंगे. 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग्स ड्यूरिंग द लास्ट 3 years और $50 lakh whichever is lower. इधर लोअर है, नीचे हायर आने वाला है, सो बी केयरफुल. अच्छा, 1% ऑफ फॉरेक्स अर्निंग्स मतलब क्या? तो फॉरेक्स अर्निंग बेसिकली जो भी प्रॉफिट रहेगा, समझो फॉरेन एक्सचेंज में तुमने कमाया, समझो डॉलर पाउंड वगैरह वगैरह. अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट. तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, टोटल मारो लास्ट 3 years में जितना तुमने कमाया रहेगा उसका 1%, और $50 lakh whichever is lower. अच्छा, करेंसी कोई और रहेगी तो कन्वर्ट मार दो उसको डॉलर में. फिर C1, कमीशन टू एजेंट अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट और कमर्शियल प्लॉट इन इंडिया, एंड लिमिट विल बी पर ट्रांजेक्शन. जो राइट में लिमिट दिया है, दैट विल बी पर ट्रांजेक्शन. अच्छा, ऐसे एजेंट को हम पैसा दे रहे हैं, मतलब कमीशन दे रहे हैं, जो एजेंट इंडिया में कोई फ्लैट या प्लॉट बिकवा रहा है, मतलब है वो बाहर का एजेंट, दैट इज वाई वी आर विड्रॉइंग डॉलर वगैरह फॉर दैट. तो बाहर का कोई एजेंट है, इंडिया में ये प्लॉट वगैरह बिकवा रहा है, तो $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस. मतलब मैं जो ये रेसिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट बेच रहा हूँ, तो सेलिंग प्राइस आएगा ना, तो सेलिंग प्राइस का 5% या $25,000 विच एवर इज हायर है. अब दिस विल बी पर ट्रांजेक्शन. उसके बाद C2 है, विच इज कंसल्टेंसी सर्विस फॉर द फॉलोइंग. अच्छा, कंसल्टेंसी सर्विस फी जो रहेगा, इसका मतलब क्या होता है? पहली बात तो इट इज लाइक प्रोफेशनल फी. तुम किसी को एडवाइजरी वगैरह सर्विस प्रोवाइड करते हो, किसी को कोई एडवाइस चाहिए रहेगा, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट वगैरह का, समझो उसको एडवाइस चाहिए रहेगा एक रोड बनाने का है, तो कॉस्ट क्या रहेगा उसका, एस्टिमेशन क्या रहेगा, लेट्स से टाइम, कितना टाइम लगने वाला है उसको, देन हाउ कैन द कॉस्ट बी यू नो मिनिमाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड वगैरह वगैरह. ऐसा सब अगर सर्विस चाहिए तुमको इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए, तो $100 lakh पर प्रोजेक्ट इज द लिमिट. मतलब इसके ऊपर गया तो क्या करने का, RBI का अप्रूवल. अदर प्रोजेक्ट या कोई अदर कंसल्टेंसी रहेगा तो ये केस में सिर्फ 10 lakh पर प्रोजेक्ट तक का लिमिट है, इसके ऊपर गया तो अगेन RBI का अप्रूवल. अच्छा, सर्विस शुड बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम अब्रॉड, बाहर की है, दैट इज वाई वी आर पेइंग इन डॉलर्स या एनी करेंसी. तो इंफ्रा प्रोजेक्ट है तो $100 lakh, अदर प्रोजेक्ट या अदर कंसल्टेंसी, फॉर एग्जाम्पल समझो कोई कंपनी है, वो कंपनी ने अगर US में CPA हायर किया, अब CPA मतलब क्या, तो वो अदर कंसल्टेंसी में आ गया, इट इज नॉट इंफ्रा और इट इज नॉट एनी अदर प्रोजेक्ट. तो चेक करो, इंफ्रा है तो 100 लाख, नहीं तो फिर 10 लाख. एक और है पी. पी स्टैंड फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन. तो रेमिटेंस बाय एन एंटिटी इन इंडिया बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस. अगर एक इंडियन एंटिटी किसी को पैसा पे कर रही है, विच इज टूवर्ड्स रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, कंपनी शुरू हो उसके पहले के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो, देन 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट टू इंडिया और $1 lakh whichever इज हायर है. ये इन्वेस्टमेंट ब्रॉट टू इंडिया मतलब क्या, तो कंपनी इंडिया में है ना, तो इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट आ, जैसे अभी अंबानी भाई अपने लगे पड़े हैं, बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहे, वैसा कुछ, और $1 lakh whichever इज हायर. इतना प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अगर इसके ऊपर एक्सीड होता है तो RBI का अप्रूवल लगेगा. एक एग्जेम्पशन है Schedule 3 पेमेंट्स के लिए, कि अगर एक पर्सन है, इफ अ पर्सन इज गोइंग ऑन अ विजिट अब्रॉड, देन ही कैन इनकर इट फ्रीली यूजिंग इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड. मतलब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड अगर यूज करोगे तो कोई तुमको रोकने वाला नहीं है, यू कैन यूज इट फ्रीली. नॉर्मली ना इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का लिमिट्स बहुत ही रिच लोगों को मिलता है, इतना बड़ा जो $2.5 lakh तक का जो होता है वो. So it is okay, Schedule 3 के payments के लिए you can use international credit card, no problem. फिर exemption है, बहुत सही, बहुत important exemption है. अगर Schedule 2 and Schedule 3 में तुम्हारा payment fall होता है, then if you are remitting it from RFC account, तो no approval is needed. कितना भी amount होने दो, no approval needed. RFC माने resident foreign currency account. मतलब ऐसे residents जिन्होंने foreign currency में bank accounts open किए हैं. Normally अपन रुपी में करते हैं, यहाँ पर अगर समझो डॉलर में किया है, इट इज अलाउड. ये केस में अगर तुमने बहुत ही पहले, सी नाउ दिस इज आउटडेटेड, पहले पहले बहुत ओपन होता था, बहुत लोग उसमें पैसा जमा करते थे, अब अगर उसमें से तुमको पैसा स्पेंड करना, नो अप्रूवल नीडेड, बिकॉज जब ये अकाउंट वगैरह ओपन होता था तभी ही RBI उसको अप्रूव कर देता था. ऑल्सो रेमिटेड फ्रॉम EEFC अकाउंट, एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी. एक्सचेंज अर्नर्स मतलब क्या, तो जो एक्सपोर्टर होंगे जो बाहर से कमाते हैं डॉलर वगैरह, उनके अकाउंट से अगर पेमेंट करना है तो नो अप्रूवल नीडेड. बट अगर तीन केस में, अगर ये तीन केस में फॉलो हुआ, देन अप्रूवल विल बी नीडेड.
मतलब अप्रूवल एज अबव, जैसे तुमने वो रूल पढ़ा ना वैसे। क्या है ये? तो शेड्यूल टू का पीएनआई क्लब का मेंबरशिप चाहिए। इवन दो यू हैव पेड फ्रॉम ईईएफसी अकाउंट, यू विल नीड एन अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट का। शेड्यूल थ्री का अगर C1 मतलब कि कमीशन टू एन एजेंट, या P विच इज प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट, अगर ये पे करना है देन यू विल नीड दैट आरबीआई का अप्रूवल इफ इट एक्सीड्स दोज लिमिट्स। मतलब ये तीन पेमेंट के लिए, पीएनआई, फिर ये कमीशन, फिर ये प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, ये तीन के लिए अगर तुमने ईएफसी से भरा फिर भी तुमको नॉर्मल रूल ही अप्लाई करना है। अदर देन दीज पेमेंट्स जो भी रहेगा बिंदास नो अप्रूवल नीडेड। देन देयर इज सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होता है वो नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बेसिकली ऐसा समझ लो कि कोई एसेट लायबिलिटी ऑल्टर करने वाला है। नाउ द रूल इज एनी पर्सन मे सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एनी ऑथराइज्ड पर्सन फ्रॉम कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। जैसे करंट अकाउंट में पढ़ा था वैसे ही है कि भाई ऑथराइज्ड पर्सन से ही तुमको बाइंग एंड सेलिंग करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई में प्लेस एनी कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस ऑन अबव, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे कंडीशन डाल सकते हैं लोग। अच्छा, पीआरआई पीआरओआई के लिए एक मस्त पॉइंट है कि पीआरआई में होल्ड ओन और ट्रांसफर फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर की करेंसी, बाहर की सिक्योरिटी, बाहर की प्रॉपर्टी, अगर उसको होल्ड ओन या ट्रांसफर करना है देन इट इज अलाउड इफ इट वॉज अक्वायर्ड held or owned by that person when he was PROI. मतलब पहले तुम PROI थे, समझो you were a PROI in 2011, तुमने USA में एक घर ले लिया, अब 2020 में you are PRI, तो can you hold this house? The answer is yes, because you had purchased it when you were PROI, तो कोई बात नहीं, you can hold. या it was inherited from PROI, समझो ऊपर से मुझे आया, अगर किसी का death वगैरह हुआ और मुझे कोई property आया, if that person was PROI चलेगा, अगर मुझे ये आज मिला है तो कोई बात नहीं, बिकॉज इट इज इनहेरिटेंस। उल्टा केस फॉर पीआरओआई, पीआरओआई में होल्ड ओन ट्रांसफर एनी इंडियन करेंसी, इंडियन सिक्योरिटी या इमोबल प्रॉपर्टी इन इंडिया इफ इट वाज अक्वायर्ड हेल्ड और ओन बाय दैट पर्सन व्हेन ही वाज पीआरआई। मतलब पहले वो पीआरआई था, यहाँ पर उसने घर लिया, अब वो पीआरओआई हो, क्या वो ये घर होल्ड कर सकता है जो इंडिया में है? द आंसर इज यस, बिकॉज ही परचेज इट व्हेन ही वाज पीआरआई। Also inherited from PRI. अगर PRI से उसको inherit हुआ कोई Indian property या Indian currency या Indian security, कोई बात नहीं, he can hold it. What is capital account transaction? तो any transaction which alters asset liability contingent liability outside India of a person resident in India. मतलब PRI का कोई भी एसेट लायबिलिटी या कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑल्टर हो रहा है। ऑल्टर मतलब क्या? तो क्रिएट हो रहा है या मॉडिफाई हो रहा है या यू नो इट इज नॉट एग्जिस्टिंग नाउ। मतलब लेट्स से अगर कोई एसेट है तुमने सेल कर दिया, सो बेसिकली कुछ भी हो सकता है, एसेट पैदा हुआ, एसेट मॉडिफाई हुआ, एसेट मर गया, एनीथिंग इज फाइन। बट ये क्या है? पीआरआई का है विच इज आउटसाइड इंडिया। वैसे ही एनी ट्रांजेक्शन विच ऑल्टर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ पीआरओआई, मतलब बाहर वाले का एसेट लायबिलिटी जो है वो इंडिया में अब ऑल्टर होने वाला है, और राधा लाइकन से बाहर वाले के केस में इंडिया में कोई एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑल्टर होने वाला है, यहाँ पर कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, प्लीज टेक केयर। नेक्स्ट सेक्शन 6 वापस कंटिन्यूड है। देयर आर सम ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी कैरिड आउट फ्रीली, दैट इज विदाउट रेस्ट्रिक्शन। क्या क्या फ्रीली हो सकता है? तो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लास्ट वाला जो है डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर धंधे के लिए, धंधे के कोर्स में तुमने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया, अगर उसका वैल्यू डायमिनेशन हो गया, मतलब के वैल्यू अगर कम हो गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन इज नॉट गोइंग टू यू नो लीड टू एनी पेमेंट, दिस इज जस्ट अ बुक एंट्री, तो फ्रीली अलाउ, कोई बात नहीं। यहाँ पर रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सबको पता होता है, ईएमआई वगैरह जो भरते हो वो। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन वेरी मच सिमिलर टू रीपेमेंट ऑफ लोन, देर आर टू टाइप्स नॉर्मली अमोर्टाइज, मतलब क्या? तो ओवर द टेनोर इक्वली तुम थोड़ा 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 करके रीपे करोगे, और इट कैन बी एनी अदर रीपेमेंट शेड्यूल, जो भी है अमोर्टाइजेशन रीपेमेंट अल्टीमेटली इट इज द सेम थिंग, दोनों भी फ्रीली अलाउड है। मतलब यू कैन यू नो एंटर इन टू सच ट्रांजेक्शन जिसमें रीपेमेंट ऑफ लोन होने वाला है फ्रीली, नो प्रॉब्लम। फिर फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेगुलेशंस 2000। पहली बात तो यहां पर नाम में ध्यान देना, जब भी तुमने करंट अकाउंट पढ़ा था तो एफईएम इट वाज करंट अकाउंट
ट्रांजैक्शन रूल्स 2000। पहली बात तो यहाँ पर रूल्स नहीं है, यहाँ पर रेगुलेशंस है, प्लीज बी केयरफुल, नहीं तो बाद में पता चलेगा तुम लोग गाली दे रहे हो आईसीआई को, सर हमने तो बराबर लिखा था। अरे बेटा इधर रूल्स है, इधर रेगुलेशंस है, कैसे बराबर लिखा तुमने? ऑल्सो यहाँ पर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन था ब्रैकेट में, इधर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन तो है, परमिसिबल भी लिखना है अपने को, तो राइट इट प्रॉपरली एंड देन उसका शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड रेगुलेशन 4 याद रखने का। शेड्यूल 1 बोलता है परमिसिबल ट्रांजेक्शन बाय PRI, शेड्यूल 2 बोलता है परमिसिबल ट्रांजेक्शन बाय PROI, एंड रेगुलेशन 4 बोलता है देर आर सम प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन। शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 बेसिकली परमिसिबल है, देख लो डिस्टिंग्विश फॉर्मेट में इसको बनाया है। PRI के लिए अगर शेड्यूल 1 है मींस इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, एंड PROI के लिए इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट और इन कैपिटल ऑफ फर्म और एसोसिएशन इन इंडिया, बेसिकली इंडियन इन्वेस्टमेंट, मतलब इंडिया में तुमने इन्वेस्ट किया कोई कंपनी में, फर्म में वगैरह वगैरह, तो यहाँ पर फॉरेन सिक्योरिटीज में अलाउड, यहाँ पर इंडियन इन्वेस्टमेंट अलाउड। फिर ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया अलाउड, यहाँ पर एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इन इंडिया अलाउड। देखो PRI है तो आउटसाइड इंडिया के लिए हमने अलाउ किया, PROI है तो इन इंडिया में हमने अलाउ किया। अगर एक PRI को इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया यहाँ पर लिखा है, बट इसके बदले अगर इन इंडिया में लेना हो तो बेटा फेमा अप्लाई नहीं करेगा। अगर एक नॉर्मल रेसिडेंट को यहाँ पर कोई फ्लैट लेना है तो काय का फेमा, क्या इसमें कोई फॉरेन पार्टी है? नहीं। क्या इसमें कोई फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है? नहीं। सिमिलरली अगर एक PROI है इन इंडिया तो यहाँ पर कंसिडर किया है, समझो आउटसाइड इंडिया अगर उसको कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो बेटा फेमा अप्लाई नहीं करेगा। वो एक तो रेसिडेंट बाहर का है, ट्रांजेक्शन बाहर हो रहा है, इंडिया कहाँ से बीच में आया? सो अंडरस्टैंड, यहाँ पर PRI का जो है वो आउटसाइड इंडिया एंड यहाँ पर PROI का जो है वो इन इंडिया लेना। अच्छा एक और गौर करना, यहाँ पर ट्रांसफर है, यहाँ पर एक्विजिशन एंड ट्रांसफर दोनों है। इसका मतलब ये नहीं है कि PRI को एक्विजिशन अलाउड नहीं है, देर आर सम सर्टेन डिफरेंट रूल्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी जो अपने सिलेबस से अब निकल गया। देन देर इज गारंटी इन फेवर ऑफ PROI, यहाँ पर गारंटी इन फेवर ऑफ PRI परमिसेबल। फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होल्ड करेंसी, यहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंसी बेसिकली क्या होता है ये, तो करेंसी तुम्हारे पास आया दैट मींस इंपोर्ट किया तुमने करेंसी, करेंसी अगर तुमने किसी को दिया तो दैट इज एक्सपोर्टिंग, एंड होल्ड मतलब अपने पास रखा तो दैट इज अलाउड, बट अगेन सर्टन लिमिट्स तक अलाउड होता है RBI का। देन लोन ओवरड्राफ्ट टू और फ्रॉम PROI, मतलब PROI से लोन लो या उसको लोन दो। फॉरेन करेंसी लोन रेज इन इंडिया और अब्रॉड, अगर लोन तुमने डॉलर पाउंड वगैरह में लिया है तो चलेगा, परमिसिबल। यहाँ पर है डिपॉजिट्स बिटवीन PRI PROI, इट इज वेरी मच सिमिलर टू लोन, ओनली डिपॉजिट कर रहा है मतलब मैं तुमको पैसा दिया बाद में तुम वो रीपे कर देना एंड वाइस वर्सा, तो अलाउड। फिर नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, मतलब बैंक अकाउंट खोल सकते हो फॉरेन करेंसी में, यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन करेंसी अकाउंट इन इंडिया चलेगा। देन रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट, यहाँ पर भी सेम रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट्स यहाँ से तुमको अगर बाहर रेमिट करना है कोई बात नहीं, बिंदास करो चलेगा। अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर भी अंडरटेक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, डेरिवेटिव में क्या क्या आता है, तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, फिर स्वॉप्स वगैरह वगैरह, करो बिंदास कोई बात नहीं, इवन कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी यहाँ पर आता है। फिर इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया, PRI को अलाउड है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब PRI को अगर इंश्योरेंस लेना है बाहर से कोई बात नहीं, फ्रीली अलाउड। अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रेगुलेशन 4 प्रोहिबिशन, तो अगर पहली बात तो तुम PRI हो, इंडिविजुअल हो, तो तुम्हारे लिए जो LRS था ना, $2.5 लाख वाला स्कीम, वो बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है कि भाई कैपिटल अकाउंट शेड्यूल 2, सॉरी शेड्यूल 1, मतलब के जो परमिसिबल वाला था हमने देखा, उसके लिए ना देर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ $2.5 लाख पर annum। फिर करंट अकाउंट में हमने देखा था शेड्यूल 3, इफ यू रिमेम्बर शेड्यूल 3 में था वी स्टेम्ड, ये शॉर्ट फॉर्म बनाया गया था, इसके लिए भी सेम था मैक्सिमम $2.5 लाख पर annum। तो कैपिटल अकाउंट वाला बोलता है 2.5 लाख, करंट अकाउंट वाला भी बोलता है 2.5 लाख, क्या ये दोनों मिला के 2.5 लाख है? द आंसर इज येस, कैपिटल अकाउंट का शेड्यूल 1 प्लस करंट अकाउंट का शेड्यूल 3 दोनों मिला के मैक्सिमम 2.5 लाख पर annum तक का लिमिट है, मतलब $2.5 लाख के ऊपर अगर जा रहा है तो RBI का अप्रूवल तुमको लगेगा। बट हाँ इसमें वो SEM-1 जो था ना, SE-1 एंड M-1, स्टडीज, इमिग्रेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये केस में अगर ज्यादा जा रहा है तो कोई बात नहीं, फ्रीली चलेगा, अगर सामने वाला कंट्री का यूनिवर्सिटी या मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह रिक्वायर करता है तो। ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इवन अप टू $2.5 लाख,
cannot be remitted directly or indirectly to non-cooperative countries declared by the Financial Action Task Force. FATFs ने उसने non-cooperative countries declare किए, every year change होता रहता है. अभी blacklist में कोरिया एंड ईरान है. तो अगर कोरिया एंड ईरान तुमको कोई भी कोई भी ट्रांजेक्शन करना है कैपिटल अकाउंट का, तुमको रेमिट करना है पैसा, तो यहाँ पर नहीं चलेगा, नॉट अलाउड. मतलब इवन 2.5 लाख तक नॉट अलाउड. देन PROI cannot make investment in India in any company or firm etc. which is engaged or proposes to engage in the following five businesses. एक बाहर वाले को PROI को अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना तो ये पांच में अलाउड नहीं है. पहला ट्रेडिंग इन TDRs. What is TDR? तो बेसिकली समझो ये एक लैंड है, इसके ऊपर अगर समझो बिल्डिंग बनानी है, इसका राइट रहेगा किसी के पास. ये राइट अगर किसी ने किसी को बेच दिया, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. तो ऐसे केस में तुमको इन्वेस्टमेंट नहीं करना. फिर रियल एस्टेट बिजनेस और कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस. अगर कोई कंपनी रियल एस्टेट में इंगेज्ड है या कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस में इंगेज्ड है तो ये केस में यू कांट इन्वेस्ट इन इट. बट इसमें एक्सेप्शंस है जो नीचे पड़ेंगे. फिर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज में ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते. फिर निधि कंपनी नहीं डाल सकते, चिट फंड बिजनेस में नहीं डाल सकते. तो ये पांच एक्सेप्शंस है, शॉर्ट फॉर्म है ट्रैंक. चिट फंड के लिए देयर इज अ स्पेशल नोट एंड रियल एस्टेट के लिए देयर इज अ स्पेशल नोट ऑन द नेक्स्ट पेज. Then PRI cannot undertake capital account transaction with a person or entity of Democratic People's Republic of Korea or in other words North Korea. मतलब अगर एक PRI है, अगर उसको कोई भी capital account transaction करना है तो North Korea वाले से not allowed. अच्छा अगर existing already कोई रहेगा तो for existing transactions क्या करने का, close, settle, dispose it within 180 days from the date of this notification which is 7th March 2019. 7th March 2019 को ये वाला notification आया था कि भाई North Korea वाले से अब अपना जो है वो बंद हो गया ties. So 180 days है तुम्हारे पास, close कर दो transaction. Loan लिया रहेगा तो वापस कर दो, loan दिया रहेगा तो वापस मंगवा लो, जो करना है करो. 180 days तुमको मिलेगा from 7th March 2019. अच्छा चिट फंड और अपना रियल एस्टेट के लिए देयर इज अ स्मॉल नोट. फॉर इन्वेस्टमेंट इन चिट फंड्स, इफ द रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट कैन अलाउ चिट फंड्स टू एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम NRIs थ्रू बैंकिंग चैनल या यू नो कोई भी टाइप का लेजिटिमेट पेमेंट, जैसे कि RTGS, NEFT, ये वो सब इंक्लूडेड है, एंड ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस विदाउट एनी लिमिट. इसका मतलब क्या है, तो रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स के पास पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, बट स्टेट गवर्नमेंट के ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है कि वो लोग अलाउ कर सकते हैं. चिट फंड्स कैन एक्सेप्ट सब्सक्रिप्शन फ्रॉम NRI. NRI हियर मींस PROI. आई डोंट नो व्हाई स्टडी मटेरियल हैज यूज्ड दिस लैंग्वेज, बट ठीक है, PROI ही है वो. तो यहाँ पर अगर अलाउ करते हैं ये लोग बैंकिंग चैनल से एंड ऑन नॉन रिपेट्रिएशन बेसिस, तो विदाउट एनी लिमिट इट विल बी अलाउड. मतलब बिंदास डालो चलेगा, बट बैंकिंग चैनल से आना चाहिए. एंड नॉन रिपेट्रिएशन, नॉन रिपेट्रिएशन मतलब क्या, अगर तुम यूएस से आए हो तो यहाँ पर तुमने जो भी कमाया वो यहीं पे स्पेंड करके जाओ, यूएस नहीं लेके जा सकते. तो ये अलाउ हो जाएगा इफ रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स या SG का ऑफिसर अलाउ करेगा. अच्छा रियल एस्टेट बिजनेस में देयर इज एन एक्सक्लूजन, डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप्स, वो एक्सक्लूजन में आएगा. मतलब मेन रूल बोलता है रियल एस्टेट में नॉट अलाउड, बट डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप में अलाउड. फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रेमाइस, रोड ब्रिजेस वगैरह अलाउ. सेबी रजिस्टर्ड RETA में पैसा डालना है अलाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज टाउनशिप, टाउनशिप बेसिकली इट इज लाइक अ वेरी वेरी बिग सोसाइटी, एक छोटा टाउन टाइप है जिसमें सब फैसिलिटीज अवेलेबल होता है, दैट इज अलाउ. फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रेमाइस सबको पता होता है, रोड ब्रिजेस वगैरह ये सब में भी अलाउड है. व्हाट इज RETA, RETA इज लाइक अ म्यूचुअल फंड फॉर रियल एस्टेट. इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इन्वेस्टर्स अपना पैसा डालते हैं, बहुत सारा पैसा डालेंगे एक RETA फंड में. ये RETA आगे क्या करेगा, प्रॉपर्टीज बाय करेगा, घर बाय करेगा, बहुत सारे ये बिल्डिंग्स वगैरह बाय करेगा, ऑफिसेज बाय करेगा, लैंड बाय करेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड यहाँ से कुछ इनकम आएगा, ये आगे ट्रांसफर करेगा. वेरी मच सिमिलर टू अ म्यूचुअल फंड. RETA अभी करंटली बहुत सारे हैं इन द मार्केट, यू कैन चेक. एम्बेसी RETA करके एक आया है, उसके बाद माइंड स्पेस करके एक RETA करके आया है, IRB इनबिट करके एक है इन्वेस्टमेंट
ट्रस्ट है वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन शॉर्ट इन्वेस्टमेंट इन द अबव थ्री बाय पीआरओआई विल बी अलाउड. ये तीनों में अलाउ हो जाएगा. इसके अलावा रियल एस्टेट बचा क्या फिर? रियल एस्टेट में सबसे मेजर रीडेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट के लिए यहाँ पर अलाउ नहीं होगा. सो रिमेंबर, उसके अलावा जो भी यहाँ पर लिखा है तीनों, ये तीनों में अलाउ हो जाएगा.